आज का हमारा टॉपिक है फाइल सिस्टम वर्सेस डीबीएमएस। आज हम मेनली पढ़ेंगे कि जो डीबीएमएस है फाइल सिस्टम से कैसे बेटर है, और डीबीएमएस की एडवांटेजेस क्या हैं और डीबीएमएस की कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये है आपका डीबीएमएस का लेक्चर नंबर 2। इसकी जो पीपीटी है वो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन कर दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइल सिस्टम वर्सेस डीबीएमएस से। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले लिमिटेशंस ऑफ फाइल बेस्ड सिस्टम। जो फाइल बेस्ड सिस्टम है उसकी क्या लिमिटेशन है, कहाँ कहाँ उसकी कमी है जिसको डीबीएमएस पूरा करता है। तो फर्स्ट लिमिटेशन इज सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डेटा। इसका क्या मतलब है कि जो डेटा है वो सेपरेटेड है और आइसोलेटेड है। उसका क्या मतलब है, अलग अलग जगहों पे सेम ही डेटा आपका स्टोर्ड है, तो उसको एक्सेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसकी एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट सपोज एक स्टूडेंट की रिपोर्ट जनरेट करनी है, उस रिपोर्ट में क्या क्या चाहिए मुझे, स्टूडेंट की स्टडी रिपोर्ट चाहिए, लाइब्रेरी बुक डिटेल्स चाहिए, हॉस्टल इन्फॉर्मेशन चाहिए, और लेट्स सपोज फीस की इन्फॉर्मेशन भी चाहिए। अब मैंने क्या करना है, एक कंबाइंड रिपोर्ट जनरेट करनी है। मैं कंबाइंड रिपोर्ट कैसे जनरेट करूंगा, जब मेरे पास स्टूडेंट की स्टडी रिपोर्ट होगी, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन होगी, हॉस्टल इन्फॉर्मेशन होगी, फीस की इन्फॉर्मेशन होगी। तो अब ये सारी इन्फॉर्मेशन अलग अलग फाइल्स में आइसोलेटेड फॉर्म में अलग अलग जगह पे स्टोर्ड है, तो मुझे कोई ना कोई क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। वो क्या करेगा, सभी फाइल से डेटा को कलेक्ट करके एक सिंगल फाइल बनाएगा। अगर ये तो सिर्फ तीन फाइल्स हैं, अगर मुझे कोई इस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि जो तीन फाइल्स नहीं, 10 या 15 या 20 फाइल से डेटा को कंबाइन करना की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये बहुत एक टफ जॉब हो जाता है। तो वो एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जॉब हो जाता है अगर हम फाइल बेस्ड अप्रोच को फॉलो करते हैं। तो आगे देखते हैं डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, जिसको हम डेटा रिडंडेंसी भी बोलते हैं। मीन्स एक ही फाइल को अलग अलग जगहों पे एक ही फाइल की कॉपीज बना के स्टोर किया गया है। इसका क्या मतलब है, अनकंट्रोल्ड डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। डेटा की जो डुप्लीकेशन की गई है दैट इज अनकंट्रोल्ड, कि कोई भी उसके ऊपर चेक नहीं है कि किस तरह की डुप्लीकेशन है। अब डुप्लीकेशन होगी डेटा की, रेप्लीकेशन होगी, तो क्या क्या नुकसान हो सकता है। सबसे बड़ा नुकसान तो क्या होगा, वेस्टेज ऑफ स्पेस। सबसे ज्यादा नुकसान है स्पेस की वेस्टेज होगी। और क्या नुकसान हो सकता है, एक तो टाइम भी ज्यादा लगेगा और एक मनी भी लगेगी, क्योंकि हमें एक ही डेटा को बार बार एंटर करना पड़ेगा। जब स्पेस की वेस्टेज होगी तो स्पेस की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी। स्पेस की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो उसके साथ और कॉस्ट लगेगी, इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी, इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज, हार्ड डिस्क की फॉर्म में हमें और स्टोरेज चाहिए होगी। सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है डुप्लीकेशन ऑफ डेटा की, द डेटा इज नो लॉन्गर कंसिस्टेंट। मतलब कि जो डेटा है वो कंसिस्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। एक ही फाइल को अगर अलग अलग जगह पे आपने स्टोर किया है, तो जब हम फाइल को अपडेट करेंगे तो हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो फाइल है सभी जगह पे एक ही टाइम पे अपडेट हो जाए, ताकि जो डेटा का जो इंटेग्रिटी है उसका लॉस ना हो। आइए देखते हैं कि लॉस ऑफ डेटा इंटेग्रिटी का डिटेल में क्या मीनिंग है। सो नेक्स्ट जो लिमिटेशन है दैट इज लॉस ऑफ डेटा इंटेग्रिटी। अब इसका क्या मीनिंग है, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको पढ़ते हैं। लेट सपोज कि स्टूडेंट की दो फाइल्स अवेलेबल है, स्टूडेंट डिटेल फाइल एंड स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड। अब दोनों में स्टूडेंट का एड्रेस मेंशन है। अब एक कोई चेंज रिक्वेस्ट डालता है, किस तरह की चेंज रिक्वेस्ट डालता है कि जो स्टूडेंट का एड्रेस है उसको चेंज करना है। तो एक प्रोग्राम लिखता है कोई भी डेवलपर, वो क्या करता है स्टूडेंट के एड्रेस को चेंज करता है। बट वो प्रोग्राम क्या करता है, प्रोग्राम सिर्फ इसी फाइल को चूज करता है स्टूडेंट के एड्रेस चेंज करने के लिए, सेकेंड फाइल को चूज नहीं करता। तो उसका उसका नुकसान क्या होगा, उसका नुकसान ये होगा कि जो स्टूडेंट की जो एड्रेस है वो स्टूडेंट डिटेल्स में तो अपडेट हो जाएगा, बट स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड में अपडेट नहीं हो पाएगा। तो उससे क्या होगा, लेट सपोज मुझे स्टूडेंट का जो रिपोर्ट कार्ड है वो मेल करना है स्टूडेंट के एड्रेस पे, तो मैं एक और प्रोग्राम लिखूंगा। अब वो प्रोग्राम क्या कर रहा है, वो प्रोग्राम स्टूडेंट डिटेल से डेटा नहीं उठा रहा, वो कहाँ से उठा रहा है, स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड से। तो उससे क्या होगा कि स्टूडेंट के ओल्ड एड्रेस पे ही उसका जो रिपोर्ट कार्ड है वो चला जाएगा, न्यू एड्रेस पे नहीं जा पाएगा। ये क्यों हुआ, क्योंकि जो डेटा है वो क्या है, इनकंसिस्टेंट है, बिकॉज देर इज अ मिसमैच इन डिफरेंट कॉपीज ऑफ सेम डेटा। एक ही डेटा की डिफरेंट कॉपीज में क्या हो गया, मिसमैच हो गया, सो डेटा आपका कंसिस्टेंट नहीं रहा। ये एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है फाइल बेस्ड सिस्टम की। नेक्स्ट डिसएडवांटेज हम देखते हैं कौन सी है, नेक्स्ट लिमिटेशन डेटा डिपेंडेंस। डेटा डिपेंडेंस का क्या मतलब है कि जो डेटा फाइल्स है दे आर कपल्ड विद एप्लीकेशन प्रोग्राम। जो डेटा फाइल्स है उसको एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ लिंक कर दिया गया है, कपल कर दिया गया है। इसकी एक एग्जाम्पल करते हैं। लेट सपोज एक फाइल है जिसका नाम है स्टूडेंट नेम फाइल। अब उसमें हमने साइज कितना दिया है, 45 कैरेक्टर्स, और मैं चाहता हूँ कि 45 कैरेक्टर्स नहीं, कितने होने चाहिए, 46 कैरेक्टर्स। तो देखा जाए तो मैंने क्या किया, सिर्फ एक
करेक्टर को ही इंक्रीज किया है, बट एक करेक्टर को इंक्रीज करने के लिए भी बहुत लंबा प्रोसेस लग जाता है फाइल बेस्ड अप्रोच में। देखिए क्या प्रोसेस लगेगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ओपन ओरिजिनल फाइल, जो ओरिजिनल फाइल है स्टूडेंट नेम फाइल, उसको ओपन करूंगा। फिर एक टेम्प्रेरी फाइल भी क्रिएट करूंगा, उसको ओपन करूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, कन्वर्ट करूंगा डेटा को ओरिजिनल फाइल से टेम्प्रेरी फाइल में, और टेम्प्रेरी फाइल का जो स्ट्रक्चर होगा वो किस तरह का होगा, 46 कैरेक्टर्स का। मैंने डेटा को क्या किया, कन्वर्ट कर दिया ओरिजिनल फाइल से टेम्प्रेरी फाइल में। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम जो ओरिजिनल फाइल है उसको डिलीट कर देंगे, और जो टेम्प्रेरी फाइल है उसको हम रीनेम कर देंगे एज अ ओरिजिनल फाइल। और इसके बाद इस जो टेम्प्रेरी फाइल जिसको हमने रीनेम किया है ओरिजिनल फाइल, इसको जो भी प्रोग्राम इसको एक्सेस कर रहे हैं उन प्रोग्राम्स को भी मॉडिफाई करना पड़ेगा, बिकॉज ये इसमें प्रोग्राम्स और आपके जो डेटा है दे बोथ आर कपल्ड, आपस में उनको कपल किया होता है, दोनों आपस में डिपेंडेंट होते हैं। दैट इज वाई इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है, डेटा डिपेंडेंस, मीन्स जो प्रोग्राम है उसको डेटा के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। नेक्स्ट लिमिटेशन देखते हैं कौन सी है, इनकम्पैटिबल फाइल फॉर्मेट्स। ये भी आपकी जो लिमिटेशन है ये डेटा डिपेंडेंस से ही लिंक्ड है, मीन्स द स्ट्रक्चर ऑफ फाइल्स, जो फाइल्स की जो स्ट्रक्चर है दे आर डिपेंडेंट अपॉन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जो एप्लीकेशन अगर हम कोई यूज कर रहे हैं, कोई भी हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, वो किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बना है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके फाइल्स का स्ट्रक्चर क्या है। देखिए आइए देखते हैं क्या है इसकी एग्जाम्पल। लेट सपोज द स्ट्रक्चर ऑफ फाइल जनरेटेड बाय पाइथन प्रोग्राम मे बी डिफरेंट फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ फाइल जनरेटेड बाय सी प्रोग्राम। लेट सपोज हम क्या कर रहे हैं, दो प्रोग्राम, दो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर पाइथन में बना है, एक सॉफ्टवेयर सी प्रोग्राम में बना है। जो फाइल पाइथन सॉफ्टवेयर के थ्रू जनरेट होगी उसका स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट होगा, और जो फाइल सी प्रोग्राम, सी सॉफ्टवेयर में बनी है उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट होगा। और आगे जाके अगर मुझे कोई इस तरह की रिक्वायरमेंट रहती है कि मुझे दोनों फाइल्स को ज्वाइंटली प्रोसेस करना है, तो मैं इतनी आसानी से नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज दोनों फाइल्स आपस में क्या हो जाएंगी, इनकम्पैटिबल हो जाएंगी। इसकी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेट सपोज एक फाइल है टीचर्स की, एक फाइल है स्टूडेंट्स की। अब टीचर्स की जो फाइल है उसको पाइथन सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाया गया है, और जो स्टूडेंट की फाइल है उसको सी प्रोग्राम के थ्रू बनाया गया है। अब आगे जाके मैं कोई इस तरह का सॉफ्टवेयर बनाता हूँ जिसमें टीचर्स और स्टूडेंट्स की दोनों की फाइल्स को मुझे कंबाइन करके यूज करना है इन्फॉर्मेशन को, बट मैं दोनों की फाइल्स को इकट्ठे यूज नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज दोनों की फाइल्स का फॉर्मेट क्या है, इनकम्पैटिबल है आपस में। तो इसको क्या बोलेंगे, इनकम्पैटिबल फाइल फॉर्मेट्स। नेक्स्ट इज फिक्स्ड क्वेरी ऑफ प्रोग्राम। इसका क्या मीनिंग है, जो आपका फाइल बेस्ड सिस्टम है ये मैनुअल सिस्टम से तो बहुत अच्छा सिस्टम है, मीन जैसे हम पहले क्या करते थे, मैनुअली फाइल्स को प्रिंट करते थे, मैनुअली कैबिनेट्स में रखते थे, उससे तो बहुत अच्छा सिस्टम है कि अब हमने क्या कर दिया, फाइल्स को कंप्यूटराइज फॉर्म में हम सेव करते हैं। बट उस जैसे जैसे हमारा डेटा इंक्रीज होता गया, वैसे वैसे क्या हुआ कि क्वेरीज जो है रिलेटेड टू डेटा वो भी बढ़ती गई। जब क्वेरीज बहुत ज्यादा बढ़ गई उसके बाद क्या हो गया कि फिक्स क्वेरीज आने लग गई सॉफ्टवेयर में, मतलब जो एप्लीकेशन डेवलपर है जो सॉफ्टवेयर को बनाता है वो क्या करता है, जो रिपोर्ट्स या क्वेरीज हैं उनको पहले ही राइट कर देता है कि फिक्स रिपोर्ट्स हैं। मीन लेट सपोज आपने कोई लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है, बट वो किस तरह का बनाया है, फाइल बेस्ड सिस्टम है, तो उसमें जितनी भी रिपोर्ट्स जनरेट होंगी वो क्या है, फिक्स रिपोर्ट्स होंगी। आप अपनी तरफ से अगर आपको कोई क्वेरीज देनी है तो वो आप नहीं दे पाओगे। इस तरह की लिमिटेशंस हो, और भी लिमिटेशंस हैं जैसे कि लिमिटेड रिकवरी ऑप्शंस, मींस फाइल बेस्ड सिस्टम में जो रिकवरी के ऑप्शंस है, अगर आप किसी भी सिचुएशन में अगर आपका डेटा लॉस हो जाता है तो आप उसको रिकवर कैसे करोगे, तो वो बहुत लिमिटेड ऑप्शंस रहते हैं। एंड जो सिक्योरिटी ऑप्शंस भी हैं वो एक फाइल लेवल की सिक्योरिटी रहती है, अलग अलग फाइल्स के आप ज्यादा से ज्यादा एक पासवर्ड लगा सकते हो, उससे ज्यादा आप सिक्योरिटी इसमें नहीं लगा सकते हो। ये कुछ लिमिटेशन है फाइल बेस्ड सिस्टम की, जिसके कारण हमें एक न्यू अप्रोच की जरूरत पड़ी थी, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेटा बेस अप्रोच। आइए अब देखते हैं कि डीबीएमएस की एडवांटेजेस क्या हैं। तो डीबीएमएस की एडवांटेजेस जैसे हम स्टडी करेंगे उसी में आपको पता चल जाएगा कि ये जो डीबीएमएस है कैसे बेटर है फाइल बेस्ड अप्रोच से। चलिए पहला देखते हैं, कंट्रोल ऑफ डेटा रिडंडेंसी, मीन्स जो डेटा की डुप्लीकेशन है उसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। DBMS tries to eliminate the redundancy by integrating the files so that multiple copies of the same data are not stored. मतलब कि DBMS में क्या किया जाता है कि अलग अलग फाइल्स को इंटीग्रेट किया जाता है ताकि एक ही फाइल की मल्टीपल कॉपीज ना बने, डुप्लीकेशन जो है वो ना हो पाए। एक चीज इसमें जरूर आपने माइंड में रखनी है कि जो DBMS भी है वो भी
डुप्लीकेशन को पूरी तरह से रिमूव नहीं करता है, तभी हमने यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया है, कंट्रोल। ये सिर्फ कंट्रोल करेगा डुप्लीकेशन को, पूरी तरह से रिमूव नहीं करेगा, बट कंट्रोल करने का भी एक बेनिफिट है। कभी कभी हमें क्या है कि डुप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट भी रहती है बहुत बड़े डेटाबेस में। किस तरह की रिक्वायरमेंट रहती है, अगर मुझे डेटा को मॉडल करने है, रिलेशनशिप्स आपस में डेटा के रिलेशनशिप्स को मॉडल करना है, जहाँ कभी कोई परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है, तो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए भी मुझे डेटा को कभी कभी डुप्लीकेट करने की जरूरत पड़ सकती है। बट उसको छोड़ के अगर आपका कोई बिना वजह कोई डेटा पड़ा है, तो वो उसकी डुप्लीकेशन पॉसिबल नहीं होती, जो जो कि सबसे बड़ी एक एडवांटेज है डीबीएमएस की। उसके बाद आ जाता है डेटा कंसिस्टेंसी। अब फाइल बेस्ड सिस्टम में क्या था, डेटा बहुत इनकंसिस्टेंट था, इसमें क्या है, डेटा कंसिस्टेंट है। मीन्स कि आपने क्या किया, अगर आपने डुप्लीकेशन रिमूव कर दी, तो ऑब्वियसली क्या है, आपका डेटा हर जगह कंसिस्टेंट रहेगा। मतलब अगर मैंने डेटा को एक जगह अपडेट किया, तो सभी जगह वो अपडेटेड इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। तो अगर आपने डेटा को कंसिस्टेंट रखा है, तो अगर आप डेटा को एक जगह पे आपने सेव किया है, तो एक जगह आपने उसको अपडेट करते हो, तो इमीडिएटली जो सभी यूजर्स हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, उनके पास ऑटोमेटिकली अपडेटेड डेटा अवेलेबल हो जाएगा। अगर मैं लास्ट एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू करूं, अगर मैंने स्टूडेंट की फाइल, पर्सनल फाइल और स्टूडेंट की रिपोर्ट कार्ड, दोनों का डेटा सेंट्रलाइज रखा है, तो उसमें क्या होगा, उसमें अगर मैं एड्रेस अपडेट करता हूँ, तो जो आपका दोनों डिपार्टमेंट्स में ऑटोमेटिकली जो डेटा है वो क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। तो इसमें जो डेटा क्या रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं कि सेंट्रलाइज अप्रोच क्या है। तो डीबीएमएस है वो क्लाइंट सर्वर अप्रोच को फॉलो करता है। मीन्स जो आपका डेटा है वो कहाँ पे स्टोर है, एक सेंट्रलाइज डेटाबेस में स्टोर है, यहाँ पे। और बाकी के हैं ये आपके क्लाइंट्स, जो कि डेटा को यूज कर रहे हैं। अब लेट्स सपोज ये क्लाइंट है 1, 2, 3, मैं तीन अलग अलग लोकेशंस पे ले लेता हूँ। अब सारा डेटा कहाँ पे स्टोर्ड है, सेंट्रल पोजीशन पे डेटा स्टोर्ड है। अब यहाँ पे अगर कोई एड्रेस चेंज होता है, लेट्स सपोज स्टूडेंट का डेटा यहाँ पे स्टोर्ड है, यहाँ पे स्टूडेंट का एड्रेस ए से एड्रेस बी हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे डिपार्टमेंट है इसके पास भी अपडेटेड आ जाएगा, यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है इसके पास भी अपडेटेड आ जाएगा, यहाँ पे डिपार्टमेंट है इसके पास भी अपडेटेड आ जाएगा, और नीचे जो डिपार्टमेंट है इनके पास भी अपडेटेड डेटा पहुंच जाएगा। तो ये एक बेनिफिट है बहुत बड़ा, जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट में बहुत अच्छे से हेल्प करता है। नेक्स्ट एडवांटेज देखते हैं डीबीएमएस की कौन सी है, शेयरिंग ऑफ डेटा। मीन्स डीबीएमएस इज डेटाबेस मैनेजमेंट, तो डेटाबेस क्या था, हमने जो पढ़ा था, डेटाबेस इज शेयर्ड रिसोर्स। मीन्स डेटाबेस को हम अलग अलग डिपार्टमेंट में शेयर कर सकते हैं ऑथराइज पर्सन के साथ, जो पर्सन ऑथराइज है उनको हम शेयर कर सकते हैं। मीन्स जो न्यू एप्लीकेशन अगर हमने बनानी है, वो क्या करेंगी, एग्जिस्टिंग डेटा के ऊपर ही न्यू एप्लीकेशन बनाई जा सकती हैं। हमें पूरा दोबारा से सारा डेटा डेटा के लिए एप्लीकेशन बनाने की जरूरत नहीं है, हम न्यू एप्लीकेशन को एग्जिस्टिंग डेटा के ऊपर बना सकते हैं, और जो डेटा नहीं है उसको हम सीधा ऐड कर सकते हैं। सो ये बहुत कन्वीनियंट हो जाता है न्यू एप्लीकेशन को डिजाइन करना। नेक्स्ट आ जाते हैं इम्प्रूव्ड डेटा इंटेग्रिटी। अब ये कंसिस्टेंसी से भी मिलता जुलता ही टर्म है, देखिए इसको डिटेल में क्या चीज है। डेटाबेस इंटेग्रिटी रेफर्स टू वैलिडिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ स्टोर डेटा। कंसिस्टेंसी का मतलब तो आप समझ गए हैं कि डेटा हर जगह कंसिस्टेंट होना चाहिए। वैलिडिटी मतलब जो आप डेटा एंटर कर रहे हैं वो एक करेक्ट डेटा एंटर होना चाहिए। मीन्स हम कोई ना कोई अलग क्या लगाएंगे, कंस्ट्रेंट्स लगाएंगे। इसके हम एग्जांपल ले सकते हैं, लेट्स सपोज आप स्टूडेंट की डिटेल्स एंटर कर रहे हो और उसमें आपने एज मेंशन की। अब किसी स्टूडेंट की एज -20 तो नहीं हो सकती, या किसी स्टूडेंट की एज 130 तो नहीं हो सकती। तो हमने क्या कर दिया, कंस्ट्रेंट्स लगा दिए, ताकि जो आपका डेटा है कंसिस्टेंट तो रह ही रहे, बट करेक्ट डेटा एंटर हो, वैलिड डेटा एंटर हो। लेट्स सपोज अगर स्टूडेंट है उसने इंजीनियरिंग में एडमिशन लेनी है, तो हम डेटा जब उसमें एंटर करेंगे स्टूडेंट का एडमिशन के टाइम पे, तो हम किस तरह का डेटा एंटर करेंगे, कि क्या स्टूडेंट ने 11th 12th पास करी है कि नहीं करी है, क्या उसने नॉन मेडिकल में पास करी है। तो अगर मैं किसी स्टूडेंट ने इंजीनियरिंग करनी है, तो वो मेडिकल में लेके सब्जेक्ट तो नहीं कर सकता। तो इस तरह से हम कंस्ट्रेंट्स लगा सकते हैं अपने डेटा जब आप एंटर करते हो उसके ऊपर, ताकि आपका डेटा क्या रहे, वैलिड भी रहे और कंसिस्टेंट भी रहे। तो इससे क्या होगा, डीबीएमएस में हम ये डेटा को क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड फॉर्म में रख सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज देखते हैं, इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी। डीबीएमएस आपको एक बहुत अच्छे लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। देखिए किस तरह की, कि आप डेटाबेस को ऑथराइज पर्सन को, ऑथराइज यूजर्स को ही शो करोगे,
डेटा डीबीएमएस प्रोटेक्ट्स द डेटाबेस फ्रॉम अनऑथराइज यूजर्स, जो ऑथराइज नहीं है यूजर्स उनसे डेटाबेस को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डीबीएमएस की होती है। अब देखते हैं कि क्या मतलब है। अब लेट्स सपोज, इसके मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि आप डीबीएमएस में क्या होता है कि जो डेटाबेस है अलग अलग लेवल्स पे आप अलग अलग यूजर्स को एक्सेस दे सकते हो, ऑथराइज कर सकते हो। लेट सपोज जो बैंक, अगर मैं बैंक की एग्जांपल लेता हूँ, जो मैनेजर लेवल के यूजर्स हैं उनको डेटा का एक्सेस एक अलग लेवल का होगा, जो जो सेल्स के यूजर्स हैं उनको डेटा का एक्सेस एक अलग लेवल का होगा, जो क्लरिकल स्टाफ में काम कर रहे हैं उनको डेटा का एक्सेस एक अलग लेवल का होगा। तो मैंने क्या कर दिया, डेटा की सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर दिया। कैसे, ऑथराइज यूजर्स को ही अलाउ किया है डेटा को, डेटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। किस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। लेट सपोज मैंने क्या कहा है कि जो मैनेजर लेवल के जो यूजर्स हैं वो डेटा को डिलीट कर सकते हैं, और कोई डेटा को डिलीट नहीं कर सकता। जो क्लरिकल लेवल के यूजर्स हैं, मैंने उनको बोला कि वो क्या है, वो डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, वो डेटा को देख सकते हैं। इंसर्ट अपडेट के लिए मैंने किसी अलग पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी। सो अलग अलग लेवल के यूजर्स हैं उनके ऊपर अलग अलग तरह के कंस्ट्रेंट्स लगा के हम डेटाबेस की सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया इंक्रीज्ड कंकरेंसी। कंकरेंसी का क्या मतलब है, एक ही टाइम पे मल्टीपल यूजर्स एक ही फाइल को एक्सेस कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। अगर आप डीबीएमएस यूज कर रहे हैं तो ये बहुत इजीली पॉसिबल है। डीबीएमएस एंश्योर्स कंकरेंट डेटा एक्सेस सो दैट देर इज नो लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। मीन्स लेट सपोज अगर एक फाइल है, एक ही फाइल को मल्टीपल यूजर्स एक्सेस कर रहे हैं, तो एक यूजर रीड कर रहा है, दूसरा यूजर राइट कर रहा है, तो हो सकता है कि जो यूजर राइट कर रहा है वो उसने अभी अपडेट ना किया हो और रीड करने वाला पहले ही उसको रीड कर ले, तो वो एक गलत इंफॉर्मेशन को रीड कर लेगा। तो इस चीज को कैसे हम रोक सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ डीबीएमएस। तो डीबीएमएस प्रोवाइड एक्सेस टू मल्टीपल यूजर्स टू एक्सेस द डेटाबेस एट द सेम टाइम। आगे हम वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे कि इसको भी डिटेल में, कि किस तरह के मेथड्स डीबीएमएस में होते हैं कि जो डेटा को एक ही टाइम पे मल्टीपल यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज देखते हैं कौन सी है, इम्प्रूव्ड बैकअप एंड रिकवरी। फाइल सिस्टम में भी रिकवरी और बैकअप के ऑप्शंस होते हैं, बट इतने बेटर वे में नहीं होते हैं जितने डीबीएमएस में होते हैं। अब बैकअप और रिकवरी का क्या मतलब है, जनरली इट रेफर्स टू वेरियस स्ट्रेटेजीज एंड ऑपरेशंस इन्वॉल्व्ड इन प्रोटेक्टिंग योर डेटाबेस अगेंस्ट डेटा लॉस एंड रिकंस्ट्रक्टिंग द डेटा दैट डेटा शुड दैट लॉस अकर। मीन्स अगर तो आपका कोई डेटा का लॉस होता है तो आपने डेटा को रिकंस्ट्रक्ट भी कैसे करना है, ये भी आपको डीबीएमएस में फंक्शनैलिटी मिल जाती है। डीबीएमएस में आपका रेगुलरली हम स्ट्रेटेजीज और ऑपरेशंस तो क्रिएट किए ही जाते हैं, उनका काम क्या है, डेटाबेस को प्रोटेक्ट कैसे करना है अगेंस्ट डेटा लॉस। अब डेटा लॉस कैसे हो सकता है, अलग अलग रीजंस के कारण डेटा लॉस हो सकता है। देखिए कौन कौन से रीजंस हैं, जहां तो सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, यूजर एरर। यूजर के एरर के थ्रू यूजर ने कोई गलत एंट्री कर दी है, या यूजर के से कोई गलत सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया, या कोई वायरस आ गया है जिसके कारण आपका डेटा डिलीट हो गया, तो आप उसको रिकवर कर सकते हो। हार्डवेयर फेलियर, ये हमेशा हो सकता है कि जो आपका हार्डवेयर है, जो आपकी मेमोरी है, या आपका जो आप सर्वर यूज कर रहे हो, जहाँ आप सेकेंडरी स्टोरेज यूज कर रहे हो, आपकी हार्ड डिस्क फेल हो जाती है, तो कोई भी हार्डवेयर फेलियर हो जाता है तो आप जो डेटा को कैसे रिकवर करोगे। तीसरा, कोई भी कैटास्ट्रोफिक इवेंट हो जाता है, मीन्स लेट सपोज कोई फ्लड आ गया, या कोई अर्थक्वेक आ गया, इस तरह की कोई नेचुरल अगर कोई इवेंट हो जाता है तो उस केस में आप डेटा को कैसे रिकवर करोगे। सो डीबीएमएस में ये सभी चीजों को कंसीडर किया जाता है जब आप डीबीएमएस यूज करते हो, ताकि आपका डेटा लॉस किसी भी वजह से हो आप उसको इजीली रिकवर कर सको। नेक्स्ट, डेटा इंडिपेंडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे कि डेटा इंडिपेंडेंस कितने तरह की होती है डीबीएमएस में और क्या होती है। अभी हम एक ब्रीफ इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। जैसे कि फाइल बेस्ड सिस्टम में क्या था, डेटा डिपेंडेंस थी, अब इसमें क्या है, डेटा इंडिपेंडेंस, मतलब जो डेटा है वो इंडिपेंडेंट है, आजाद है। किस चीज से आजाद है, कि डेटा को अब प्रोग्राम के ऊपर डिपेंडेंट, प्रोग्राम को डेटा के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। मींस एप्लीकेशन दे आर इम्यून टू चेंजेस इन दी डेटा डिस्क्रिप्शन। मींस डेटा की डिस्क्रिप्शन में अगर मैं कोई चेंजेस करूंगा तो एप्लीकेशन क्या है उसके इम्यून है। मींस अगर मैं डेटा को बिल्कुल बिलो लेवल डेटा के स्ट्रक्चर में कोई चेंज करता हूँ तो जो मुझे उसके प्रोग्राम्स हैं जो डेटा को यूज कर रहे हैं उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, डेटा इंडिपेंडेंस। लेट सपोज अगर हमने कोई सेंट्रलाइज डेटाबेस स्टोर किया है, उसमें मैं डेटा की डिस्क्रिप्शन चेंज करता हूँ। लेट सपोज जैसे हमने लास्ट स्लाइड में एग्जांपल देखी थी, करेक्टर का साइज कितना था, 45, मैंने कर दिया 46।
फाइल बेस्ड सिस्टम में क्या था कि उस डेटा को जितने भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे उन सभी को क्या करना पड़ना था, अपडेट करना पड़ना था खुद को, क्योंकि आपने डेटा में चेंजेस किए हैं, डेटा के स्ट्रक्चर में चेंजेस किए हैं। बट डीबीएमएस में ऐसा नहीं है, क्योंकि डीबीएमएस में क्या है, डेटा इंडिपेंडेंट है, तो आप डेटा के स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज करोगे, आपको एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में डेटा प्रोग्राम्स को चेंज करने की जरूरत नहीं है। सो इम्यूनिटी ऑफ यूजर एप्लीकेशन टू चेंजेस मेड इन डेफिनेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अगर मैं डेटा के ऑर्गेनाइजेशन में और डेटा की डेफिनेशन में कोई भी चेंजेस करता हूँ स्ट्रक्चर में, तो एप्लीकेशन जो यूज कर रही है डेटा को, उनको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़ी एडवांटेज है डीबीएमएस। अब जहाँ डीबीएमएस की इतनी सारी एडवांटेजेस हैं, कुछ डीबीएमएस की डिसएडवांटेजेस भी हैं। मेनली जब आप बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उससे रिलेटेड तीन ही डिसएडवांटेजेस ज्यादातर सामने आती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो आती है कॉम्प्लेक्सिटी, साइज और कॉस्ट। कॉम्प्लेक्सिटी का क्या मीनिंग है कि जो डीबीएमएस है ये बहुत कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है। सो वी एक्सपेक्ट अ गुड डीबीएमएस मेक्स एन एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स पीस ऑफ सॉफ्टवेयर। मीन्स अगर आपने कोई बहुत अच्छा डीबीएमएस बनाया है, तो वो जो डीबीएमएस है एक एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स पीस ऑफ सॉफ्टवेयर बन जाता है। अब ये कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर का कॉम्प्लेक्स होना एक डिसएडवांटेज नहीं है, बट आपको कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड पर्सन चाहिए, अलग अलग डेवलपर्स चाहिए, यूजर्स को ट्रेन करने की भी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। सो ये एक इसकी डिसएडवांटेज है कि अगर आपने डीबीएमएस को यूज करना है, तो आप एक स्मॉल एंटरप्राइज के लिए यूज नहीं कर पाओगे। अगर किसी की छोटी शॉप है या किसी का बहुत छोटा बिजनेस है, और वो अगर चाहता है कि उसे डीबीएमएस जैसे सॉफ्टवेयर यूज करना है, तो उसको कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी से आप उसको अपने आप को टैकल करना पड़ेगा। नेक्स्ट है साइज, मीन्स डीबीएमएस का काम क्या है, लार्ज डेटा को हैंडल करना। सो जब आपका डेटा का साइज बढ़ता जाता है, तो डीबीएमएस को एक एफिशिएंटली रन करने का चैलेंजेस भी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे डीबीएमएस का साइज बढ़ता जाएगा, डिस्क स्पेस हो गई आपकी, जब मेमोरी हो गई जो कि चाहिए होती है अलग अलग प्रोग्राम्स को रन करने के लिए, उसकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाती है। अब जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, साइज बढ़ेगा, तो कॉस्ट भी बढ़ेगी। अब कॉस्ट किस चीज की बढ़ेगी? सबसे पहली कॉस्ट तो क्या है, डीबीएमएस के सॉफ्टवेयर की कॉस्ट है। जब आपने डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर परचेज करना है, तो एक डीबीएमएस के सॉफ्टवेयर, अच्छे सॉफ्टवेयर की भी एक कॉस्ट होती है। उसके बाद जब आप डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर आप यूज करोगे, तो आपको एक एडिशनल हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी। किस तरह का हार्डवेयर? साइज। अगर डीबीएमएस का साइज ज्यादा है, तो आपको अपने कंप्यूटर को भी अपडेट करना पड़ेगा, आपको एक सर्वर लेना पड़ेगा, कंप्यूटर की मेमोरी को भी आपको अपडेट करना पड़ेगा, डिस्क स्पेस को भी अपडेट करना पड़ेगा। एंड लास्ट द कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। लेट सपोज कोई कंपनी है जो फाइल बेस्ड सिस्टम के ऊपर काम करती है, बट अब उसको क्या करना है, कंपनी को फाइल बेस्ड सिस्टम से डीबीएमएस के ऊपर अपने आप को क्या करना है, शिफ्ट करना है। बट उस शिफ्ट करने से पहले क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन बहुत ज्यादा होगी। मीन्स स्टाफ को ट्रेन करना पड़ेगा, जितना भी एग्जिस्टिंग डेटा है उसको फाइल बेस्ड से डेटाबेस के ऊपर कन्वर्ट करना पड़ेगा, इन सब की भी एक अलग से कॉस्ट रहती है। सो दीज वर द मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। सो डीबीएमएस की ज्यादातर हम एडवांटेजेस ही स्टडी करते हैं, बस ये कुछ डिसएडवांटेजेस है जो आपके लिए बता रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, रोल्स इन डीबीएमएस एनवायरमेंट। मीन्स जो डीबीएमएस का जो एनवायरमेंट है, उसमें किस तरह के लोग काम करते हैं। सबसे पहला आ जाता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, इसका रोल क्या होता है, डेटाबेस डिजाइनर का रोल क्या होता है, एप्लीकेशन डेवलपर्स क्या होते हैं, और एंड यूजर जैसे कि आप और मैं, और एंड यूजर्स भी किस तरह के होते हैं, और उनको उनका भी क्या रोल होता है डीबीएमएस के एनवायरनमेंट में। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस तरह की वीडियोस और भी चाहिए, तो प्लीज कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।